नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी और करंट अफेयर से अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में बताने वाला हूं जो ग्रुप डी इलाहाबाद का हुआ था पेपर, तो उसमें से हमारा दो स्टेज में हुआ था। एक 12 नवंबर को हुआ था और दूसरा हमारा 30 नवंबर को हुआ था। तो इसमें से अलग अलग इसमें से क्वेश्चन जो आए थे, तो को फर्स्ट स्टेज था बहुत ही इजी था, तो इसका कट ऑफ कुछ अलग ही होगा। जो दूसरे स्टेज में था उसका क्वेश्चन हमारे कुछ टफ थे, तो दोनों का अलग बनेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो मैंने ऑल ओवर पूरी कट ऑफ बता दिया है कि मेंस की बीमारी कितनी होगी। अगर आप इतना तक लाते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो हमारा इसमें से पहले जो हमारा था, तो इसमें 90 मिनट का समय दिया गया था और 100 क्वेश्चन थे, जिसमें हिंदी में थे 25, इंग्लिश में 25, जीके में 25 और मैथ में 25 थे। तो इनमें से अगर आपने हिंदी में 23 से 24 सही किया है, क्योंकि बहुत ईजी पेपर था, और इंग्लिश में 21 से 22 सही किया है, जीके में 18 से 19 सही किया है और मैथ में 22 से 23 सही किया है, कुल मिला के अगर आप 84 से 88 के बीच में जा रहे हैं, तो ये हमारा स्टेज था। तो आप सेकंड स्टेज के लिए तैयार रहिए। और जो हमारा सेकंड स्टेज हुआ था, ये तो फर्स्ट स्टेज का था। जो सेकंड स्टेज है, उस स्टेज में थोड़ा सा पेपर बहुत ही टफ आया था, इतना भी टफ नहीं आया था। तो इसमें जैसे हिंदी है, तो हिंदी में अगर हमारा 22 से 23 मार्क आ रहे हैं, इंग्लिश में 21 से 22 मार्क्स आ रहे हैं, जीके में 18 से 19 मार्क्स आ रहे हैं और मैथ्स में हमारे 17 से 18 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप श्योर है कि आप सेकेंड स्टेज के लिए तैयार रहिए। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप 100% तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बार बार वीडियो देखने से और पूछने से कुछ होने वाला नहीं है। आपके अगर इतने एबव में पहुंच रहा है, हाँ प्लस 5 इधर उधर हो सकता है, मगर इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाने वाला है। तो अगर आपके सेकंड स्टेज में 78 से 82 हैं, तो हमारा आप सेकंड स्टेज के लिए 100% श्योर हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि सर इसमें इतने नंबर क्या मेरा हो जाएगा, नहीं, आपके अगर इतने मार्क्स हैं तो आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि इसमें से हमारे 2020 पोस्टें थी, जो फाइनल सेकंड हमारे स्टेज होना है उसमें 5 गुना बच्चों को लिया जाएगा, ठीक है, 5 गुना बच्चों को लिया जाएगा। और 5 गुना बच्चों का जो पेपर होगा वो इलाहाबाद में होगा, तो सेकेंड स्टेज होगा थोड़ा सा हमारा क्या होगा, टफ होगा और इलाहाबाद में होगा। तो इसमें करीब 5 गुना मतलब जब जाएंगे तो करीब 10,000 कुछ विद्यार्थी पहुंचेंगे, तो ये थोड़ा सा टफ बनाया जाएगा। तो हम ऑल ओवर की बात करें, तो ऑल ओवर की इसकी मेरिट कितनी जा सकती है पिछली की अपेक्षा, तो हमारी जनरल की है, तो जनरल की हमारी अगर प्री में हमारे 85 हैं और मेंस में हमारे 81 हैं, कुल मिला के अगर 166 के पास आप अगर जनरल में कैटेगरी में हैं, आप पहुँच रहे हैं, प्लस माइनस आप 8 तक हो सकते हैं इधर उधर, मगर इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, 99% इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और ओबीसी में हमारा है वो 161 जा सकता है, प्लस माइनस 8 सब में जुड़ा होगा आपका। और एससी कैटेगरी का 158 और एसटी कैटेगरी का हमारा 155 और ओमेंस का हमारा जो होगा इसमें 148। तो दोस्तों ये कट ऑफ लगभग 90% सही है और इससे आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, मगर इससे कम नहीं होने वाला है। तो दोस्तों अगर इतना आपके पास नंबर है तो आप किसी भी प्रकार का समय वेस्ट न करें, आज और अभी से तैयारी करते रहें, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम की आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसका वेट करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो आप इसके चक्कर में ना पड़िए, आप अपनी मेहनत लगातार करते रहिए। हाँ, एक्स सर्विस मैन के कुछ कमेंट आए थे कि सर इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, तो इसमें से ग्रुप डी की जो कट ऑफ जानी है तो हमारी बहुत ही कम जाएगी, समथिंग वही 60 अगर आपके 65 के बीच में है, तो एक्स सर्विस मैन वाले भी कन्फर्म रहे कि सेकंड स्टेज को पेपर देने को उनको मिलेगा।
ये कट ऑफ दोस्तों मैंने 2020 पोस्टों के लिए दिया है, और शायद पोस्टें हो सकता है बढ़ भी सकती हैं और घटने के तो चांस नहीं हैं, तो उसकी कट ऑफ थोड़ा सा चेंजमेंट हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पोस्टें बढ़ ही गई हैं, संभावना ही है कि शायद बढ़ सकती हैं, तो ये कट ऑफ थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है। तो दोस्तों ये फाइनल कट ऑफ है, आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो